पे अगर लगाया भी है तो उसमें भी अपनी एडवर्टाइजिंग का इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। एडवर्टाइजिंग अपनी तो करनी है, इल्लीगल तरीके से हो या कैसे भी, ठीक है। तो जब ये बस स्टॉप यहाँ पर लगा पूरे मुमरा में, कुछ 9 बस स्टॉप जब इंस्टॉल किए गए, तब हम लोगों ने इसकी जानकारी निकाली कि ये जो बैनर पीछे लगा हुआ है हमारे पीछे, क्या ये लीगल है। तो इसके लिए हमने एक RTI डाला था TMT डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर से जब मुझे पता चला कि ये जो बैनर लगे हुए हैं ये सारे इलीगल है, क्यों? क्योंकि TMT ने एक एग्रीमेंट किया था एक प्राइवेट कंपनी से, एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन कंपनी, ये कंपनी का नाम है। इन लोगों ने ऐसे ना एग्रीमेंट किया था जिसके मुताबिक ये बाकायदा उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी अगर ये किसी को एडवर्टाइजमेंट देगी तो वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग पब्लिसिटी के लिए ये स्पेस नहीं देंगे, ये बाकायदा वो RTI का प्रूफ मेरे पास है, इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पर आज सबको बुलाई हूँ। सबसे पहली बात ये होगी, दूसरी बात ये इल्लीगल तरीके से अपनी पब्लिसिटी में कर रहे हैं, साथ ही साथ ये लोग इल्लीगल चोरी की लाइट भी कर रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे पीछे ये जो आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स के अंदर अगर आप में से कोई, अभी तो ये लॉक है लेकिन आप अंदर झांक कर देखो ये खाली है। इसका वायर जो है वो पीछे जो ट्रांसफार्मर है, इसका वायर यहाँ से लगा के वो ट्रांसफार्मर को ज्वाइन किया गया है। यानी आप ये देखिए ना कितनी इल्लीगल तरीके से आप बैनर तो लगा रहे हो, इल्लीगल तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ की सत्ताधारी का जो इतना राज हो गया, इतना गुंडागर्दी हो गया, इतना ये लोग इतना राज कर रहे हैं, जब से शमीम खान साहब जो है वो TMT के मेंबर बने तो उनकी जो है वो मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं बोलूँगी उनकी मनमानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेंबर बनते साथ ही उन्होंने इस तरीके से अपनी, मतलब जहाँ मौका मिले वहाँ पकड़ लो, इन लोगों का ये हिसाब है। तो इल्लीगल तरीके से लोगों ने ये स्टार्ट किया उसके बाद इन लोगों ने टोरेंट को, अब मेरे को एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों पे FIR हो रहा है यहाँ पर, सब जानते हैं, या तो मीटर नहीं होगा तो FIR हो रहा है, या किसी भी तरीके चोरी की लाइट लग रही है तो भी FIR हो रहा है। अब मुझे ये बताइए, सत्ताधारी पार्टी जो चोरी की लाइट अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज़ करे, क्या उन पर FIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना उन लोगों के ऊपर, तो ये FIR उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा सबसे पहला सवाल है लोगों से। दूसरी बात, टोरेंट को भी मैंने ये लेटर दिया है कि अगर उन्होंने लीगल एक्शन नहीं लिया कि चोरी की लाइट, जिस तरीके से आप आम उमरा वासियों पे ले रहे हो ना एक्शन, FIR कर रहे हो ना, तो वही FIR जो है वो NCP की सत्ताधारी पार्टी के जो TMT के मेंबर है शमीम खान साहब उनके ऊपर होना चाहिए FIR, क्योंकि वो भी चोरी की लाइट यूज़ कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी बात पर कि आप ये वीडियो वायरल कीजिए, यहाँ से देखिए ये बॉक्स खाली है और ये वायर देखिए किस तरीके से ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। तो ये दूसरी बात हो गई। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अभी ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई टोरेंट जो है वो लाइट नहीं जा रही है। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर ये गोवा में अपनी वैकेशन में जाके थे, जहाँ इन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 0% जा रही है लाइट टोरेंट की। आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग खड़े, सुबह 11 से बाहर लाइट जाती है नहीं जाती है, जाती है कि नहीं जाती है? 8 घंटे लाइट जाती है और ये लोग बोल रहे ऑलमोस्ट 0%। आप मेरे को बताइए, इनको फ्री की लाइट मिल रही है, इनको चोरी की लाइट मिल रही है, इनको लाइट मिल रही है, इसका मतलब 0% जा रही है। जो बाकी दूसरा मुमरा के लोग सर्वाइव कर रहे हैं उसका क्या? तो वो लोग क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? ये लोग फ्री में खाए, तुम सत्ताधार में हो, तुम्हारी रूलिंग पार्टी चल रही है यहाँ पर, इसका मतलब तुम्हारी जो मनमानी है तुम वो करोगे? तो मेरा सवाल है यहाँ पर, मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से मुमरा वासियों को और सभी को ये बता देना चाह रही हूँ कि ये इल्लीगल बैनर के लिए मैंने TMT में जो है वो कंप्लेंट दर्ज की है। दूसरी बात, इल्लीगल तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर भी मैंने कंप्लेंट दर्ज की, और अगर TMT ने और इलेक्ट्रिसिटी टोरेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं लीगल एक्शन लेने वाली हूँ इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने कोई मौका ही नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल के ऊपर जाते तो प्राइवेट करते, मैं इनको मुमरा पुलिस स्टेशन के मामले में जाएंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। हर चीज़ के लिए हम लोग को लीगल एक्शन लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। इनकी सत्ता, ये तीसरा टेन्योर चल रहा है इनके नगर सेवक का और इनके सिटिंग MLA का, फिर भी मुमरा में क्यों इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? क्यों आज भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं जॉब के लिए? क्यों आज भी लोग मुमरा के लोग एजुकेशन के लिए सर्वाइव कर रहे हैं? तो ये मेरा यहाँ पर मानना है कि मुझे अब जो है सिर्फ लास्ट टाइम ये नजर आता है कि लीगल एक्शन लेना जरूरी हो गया है लोगों के। और दूसरी बात, लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, टोरेंट की जो मनमानी चल रही है, जिस तरीके से PD का जो मसला चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो PD के लिए मैं छोटी सी जानकारी मेरे मुमरा वासियों को दे दूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिखा हुआ है कि आप जो है किसी भी बिल, जैसे मेरा बिल है, मेरा जो मीटर है, आज मैंने 2016 में 2015 में मेरा जो है मैंने मीटर निकाल दिया और मैंने न्यू मीटर लगवाया, ठीक है, लेकिन तुमने उसका कोई बिल नहीं भेजा। अगर आपने 2 साल तक उसका बिल नहीं भेजा, इसका मतलब आपको कोई हक नहीं है मुमरा किसी भी से उस बिल का भुगतान।
लेने का, ठीक है। तो ये जो है 2 साल तक आप किसी, अगर आपने उसका बिल नहीं भेजा, हाँ अगर आप उसको बिल भेज रहे हो, कैरी ऑफ फॉरवर्ड कर रहे हो आगे, तो आप वो बिल ले सकते हो। लेकिन अगर आपने बिल नहीं भेजा तो आप 2 साल के ऊपर कोई बिल नहीं ले सकते हो। तो इसके ऊपर हमारा जो है अगले महीने एक जन आंदोलन, हम लोग का जेल भरो आंदोलन होने वाला है अगले नवंबर को। हम लोग अगले 15 तारीख को हम लोग जो है जेल भरो आंदोलन करें। इनको आदत है ना भाई FIR कर रहे मुमरा के लोगों को, जेल में भरो जेल में भरो। तो हमने ये स्टेप लिया है कि भाई क्यों मुमरा के लोगों को भरो, हम लोगों को भरो तो कुछ जेल ही भरना है ना, FIR ही करनी है ना टोरेंट को। ठीक है, हम उनके बदले जाने के लिए तैयार है। हमने ये कहा है टोरेंट से, ये लेटर हमने टोरेंट में भी दिया है कि भाई अगर आपने PD का मसला सॉल्व नहीं किया लोगों से, आप ज़बरदस्ती जो ले रहे हो पैसे, तो क्योंकि ये रूल में लिखा हुआ है कि आप 2 साल से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते, अगर फिर भी आप ले रहे हो, मैं आप मुमरा वासियों से ये अपील करूँगी कि जिसका भी PD का कनेक्शन 2 साल पुराना हो चुका है, 2 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, वो प्लीज़ बिल ना भरे। ठीक है, क्योंकि ये बाकायदा बोला गया और ये एक्ट में लिखा है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम रूल्स को मानते हैं और हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारी बात हो गई। ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मुझे यहाँ पर जो बताएँ।